हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर हाउस होल्ड। आज मैं आपको ये बेबी स्वेटर का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। यहाँ गले में मैं ये गले से मैंने शुरू किया हुआ है। इस गले में मैंने 80 फंदे डाले हुए हैं और ये एक साल के बच्चे के हिसाब से है। यहाँ 80 फंदे डालने के बाद यहाँ मैंने इसको पांच भागों में डिवाइड किया है। दो हिस्से इसके बाजू के, दो सामने और एक पीछे का। तो यहाँ मैंने फ्रंट के हिस्सों में जो है 11-11 फंदे लिए हैं। 11 यहाँ पर और 11 यहाँ पर, और यहाँ बाजू में मैंने 9-9 फंदे लिए हैं। एक फंदे से तीन फंदे करके ये जाली डाल के मैंने तीन फंदे बनाए हैं। ये देखिए, इस जाली के थ्रू ही पूरे पीस में फंदे बढ़ाए हैं। इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ कंधे से लेकर इसकी लंबाई पूरी 14 इंच की है। ये एक साल के बच्चे के लिए है और इसकी जो चौड़ाई है यानी चेस्ट, वो पूरी 12 इंच की है। आप इसको, अगर आपका बच्चा कमज़ोर है तो इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये थोड़े से हेल्दी बच्चे के हिसाब से है। यहाँ मैंने हर 8 सिलाई के बाद बटन के लिए ये मैंने एक होल बनाया है जिसमें बटन लगाया जाएगा। इस पट्टी पे बटन लगाया जाएगा और ये पट्टी पर होल बनाए हुए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसका डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने थोड़े से फंदे आपको डाल के डिज़ाइन बता देती हूँ किस तरह से शुरू किया है। ये देखिए, ये मैंने आपको दो सिलाई प्लेन बोली थी पर यहाँ मैंने 4 सिलाई प्लेन, ताकि आपको डिज़ाइन अच्छे से नज़र आ जाए। अब मैं इसमें आपको डिज़ाइन बनाना शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहला फंदा हमारा सीधा बुना जाएगा, फिर ये दूसरा फंदा जो है, आप देखिए पास से दिखा देती हूँ, दूसरा फंदा है और ये तीसरा फंदा, इसके बीच में से हमें सिलाई निकालनी है इस तरह से, और ये सीधा बुनना है। ये दोनों के बीच में से फंदा निकाल कर और एक फंदा हमें सिलाई के ऊपर घुमाना है इस तरह से, और ये जो फंदा है इसको और तीसरे फंदे को, दोनों को एक कर देना है इस तरह से। ये देखिए, मैं फिर से बता रही हूँ, पहला फंदा सीधा बुनना है, सिंपल बुनना है उसको, और ये दूसरा और तीसरा, इसकी बीच में से सिलाई लेनी है इस तरह से। एक फंदा इस तरह से बना लेंगे, फिर सिलाई के ऊपर धागा घुमाएंगे और ये पहला फंदा और दूसरा फंदा, इन दोनों को एक कर देंगे। यानी हमारा दूसरा और तीसरा ये एक फंदा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ घट जाएगा और जो हमने सिलाई के ऊपर घुमाया था ये फंदा, ये हमारा यहाँ बढ़ जाएगा। फिर से एक फंदा सीधा बुनना है, फिर इन दूसरे और तीसरे के बीच में से निकालना है इस तरह से, और फिर सिलाई के ऊपर एक फंदा घुमा देना है, दूसरे और तीसरे को एक कर देना है। हर फंदे को इसी तरीके से करना, कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये देखिए, जिस तरह से नज़र आएगा, देखिए, और पीछे से अभी नज़र नहीं आएगा आपको। तो अब क्या करना है, हमें उल्टी तरफ से हमें क्या करना है, इसको पहला फंदा यहाँ से हमने सीधा बुना था, अब इसे उल्टा बुनना है। इधर से जो फंदा हमने यहाँ से सीधा बुना था उसे यहाँ से उल्टा बुनना है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ उल्टा नज़र आएगा, इसलिए इस तरफ से सीधा बुनना है और फिर धागा अपनी तरफ लाना है। फिर ये फंदा उल्टा बुनना है और ये फंदा भी उल्टा बुनना है। अब हमने यहाँ पर एक फंदा बिना बुना लिया था, उसको बिना बुना ही लेना है। फिर से धागा आगे करना है, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बुनने हैं और ये बिना बुना उतारना है। फिर धागा आगे ले जाएंगे, फिर से एक फंदा सीधा, यानी इस तरफ से सीधा बुना था तो इस तरफ से भी सीधा बुनना है, ताकि ये उल्टा नज़र आए। फिर धागा अपनी तरफ लाना है, दो फंदे उल्टे और इसे बिना बुना ही उतारना है। आगे भी बिना बुना था और यहाँ पर भी बिना बुना उतारना है। फिर से धागा सीधी तरफ, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर दो फंदे उल्टे, फिर से बे बुना, फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे और एक फंदा बे बुना। फिर से धागा सीधी तरफ, सीधा करना है एक फंदा,
फिर अपना 10 धागा करना है, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 1 फंदा बेबुना। इसी तरीके से ये सिलाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, अब तीसरी सिलाई है। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें क्या करना है आपको, ये हमारा फंदा उल्टा नज़र आ रहा है देखिए, तो इसे सीधा बुनना है। और ये जो बेबुना फंदा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे बेबुना ही उतारना है और धागे को अपनी तरफ लाना है। और ये दोनों फंदे हमारे दोनों उल्टे बुने जाएंगे। उसके बाद धागा सीधी तरफ ले जाना है, और जो ये बेबुना फंदा ये आप देख रहे हैं, इसको हमें सिलाई से इस तरह से पकड़ के ऐसे उतार देना है। ये देखिए हमारा डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा आपको। अब ये फंदा उल्टा बुना हुआ है, इसको सीधा बुनना है। फिर ये फंदा बिना बुना ऐसे ही उतार देना है। 2 फंदे फिर से उल्टे बुनाने हैं, और फिर धागा पीछे ले जाना है, और ये बेबुना फंदा ऐसे उतार देना है। ये देखिए डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा आपको, बहुत जल्दी डिज़ाइन बनता है ये। अब ये फंदा फिर से, ये देखिए उल्टा नज़र आ रहा है आपको, इसे सीधा बुनना है। बेबुना फंदा ऐसे ही उतारना है, धागा अपनी तरफ ला के 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, फिर धागा सीधी तरफ ले जाके ये जो ये बेबुना फंदा है, इसको इन दोनों के ऊपर से उतार देना है। ठीक है, फिर ये सीधा फंदा सीधा उतारना है, ये बेबुना और 2 फंदे उल्टे। इसी तरीके से ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है, हमारा ये डिज़ाइन बन गया है। अगर ये डिज़ाइन आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट डाल के ज़रूर बताना। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बुननी है। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन पूरा उभर के नज़र आएगा। आप इस डिज़ाइन को गैप करके भी बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने ये नीचे 4 सिलाई प्लेन बनाई है, फिर ये डिज़ाइन डाला है, फिर 4 सिलाई प्लेन करके भी आप इसको कर सकते हैं। और सारे में इस तरह से जैसे मैंने ये बना रखा है, देखिए इसमें मैंने बनाया हुआ है, तो ऊपर के हिस्से में प्लेन करा है और नीचे प्लेन किया है, तो ये बीच में बनाया है मैंने, आपको दिखाई दे रहा होगा ये बीच में बनाया है। तो मैंने इस तरह से एक लाइन उल्टी बीच में करके बनाई है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, नहीं तो 4 सिलाई प्लेन करके भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे नीचे मैंने किया है, डिज़ाइन बनाया है, फिर 4 सिलाई प्लेन कर दीजिए, और आप इसको पूरे में भी एक साथ डाल सकते हैं। बाजू है, बाजू की लंबाई मैं आपको बता देती हूँ, ये छोटे बच्चे के हिसाब से है। इसकी लंबाई मैंने ये देखिए पूरी 9 इंच की ली है, आप अपने बच्चे के हिसाब से ले सकते हैं। 9 इंच की लंबाई है इसकी। और बाजू में मैंने यहाँ पर 35 फंदे डाले हैं यहाँ, और सिलाई मैंने 4 सिलाई उल्टी उल्टी करी है। इसी तरीके से नीचे किया हुआ है, 4 सिलाई उल्टी उल्टी कर रखी है, तो ऊपर जैसे 80 फंदे डाले हैं, नीचे भी मैंने इसमें 80 फंदे किए हैं। आप इसको बनाइए, बनाने के बाद ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और कुछ भी पूछना चाहें तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट डालकर भी आप मुझसे पता कर सकते हैं, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।